आज के वीडियो में हम सीखेंगे परिघा आसन का अभ्यास, या इंग्लिश में इसको गेट पोज कहते हैं। कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको करने की टेक्निक बताऊंगी, जितना इजी हो सके। साथ ही कुछ मॉडिफिकेशन और वेरिएशंस भी बताऊंगी, सो दैट कि जो नए नए अभ्यासी हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, वो आसानी से कर लें। और अगर आपके पैरों या घुटनों में दर्द है तो भी इस अभ्यास को आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, या कुछ ऑल्टरनेट बताऊँगी। साथ ही मैं बताऊँगी कि अमूमन मैंने अपनी योगा क्लासेस में देखा है कि जब परिघा आसन का अभ्यास मेरे स्टूडेंट्स करते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप ना करें, तो उन गलतियों को भी बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि इस आसन को करने के लाभ क्या हैं और सावधानियां किन किन लोगों को करनी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को इस आसन को सिखाने के लिए। आप सभी तैयार है ना? वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए, इसीलिए तसल्ली से एक एक स्टेप्स देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर किया है या भूल गए हैं किसी कारण से, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? इस आसन का अभ्यास करने से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे? सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ तो ये मिलेगा कि इस आसन का अभ्यास करने से आपका शरीर गजब का लचीला हो जाएगा। जो साइड की फैट है ना, ये साइड की फैट खत्म होंगी और साथ ही साइड में बहुत गहरा स्ट्रेच मिलेगा। इनका अभ्यास करते रहने से आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ रहती है, जिससे बैक पेन, लोअर बैक पेन जैसी समस्याएं तो आप ऐसे ही छू मंतर कर सकते हैं। गर्दन और कंधे भी इसका अभ्यास करने से लचीले होते हैं। साथ ही इस अभ्यास को करने से आपकी पेट की मांसपेशियां बहुत अच्छी तरीके से खिंचती हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन, पाचन तंत्र मजबूत होता है। और साथ ही इसका अभ्यास करने से आपके पैर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो खिंचती हैं, तो पैरों पर भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से पैर भी मजबूत होते हैं और साथ ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट है ना, लेकिन सावधानियां ज़रा सुन लीजिए इस अभ्यास को करने से पहले। उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है जिनको घुटने में दर्द है, या आपके पैरों में किसी भी तरीके की कोई चोट लगी है, रीसेंट कोई सर्जरी हुई हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो इस अभ्यास को बिल्कुल कतई ना कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे परिघा आसन का अभ्यास। सबसे पहले आपको आपके घुटने के बल इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है। पहले अभ्यास राइट साइड करेंगे, तो राइट पैर को ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिया, राइट हील मैट पर है और राइट टो बाहर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना हो तो इस तरीके से आप ऐसे पैर को रख सकते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने राइट पाम को राइट थाई के ऊपर ऐसे रख दें, और जब झुकें तो साइड से झुकेंगे। अब लेफ्ट बाइसेप को, लेफ्ट बाजू को कान के पास रखा और एकदम अलर्ट है ना, सांस लें और सांस छोड़ते हुए स्लोली 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 इस तरीके से बेंड होते जाएं साइड बाय साइड ऐसे इस तरीके से। और अगर दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं तो रखें, और फिर यहाँ पे पॉस्चर को होल्ड करें 5 4 3 2 1, और फिर सांस लेते हुए ऐसे रिलीज कर दें। इस अभ्यास को करने से आपके पैरों पर गजब की मजबूती आने वाली है, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना है ना, तो इस तरीके से। अब एक साइड जब आप अभ्यास कर लें तो कभी भी उसको दूसरे साइड करना ना भूलें। तो हमने फिर से इस तरीके से खड़े हो जाना है, और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, लेफ्ट एड़ी मैट पर रखें। अगर टो ऐसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। पूरा एकदम इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद सांस लिया, और फिर उसके बाद झुकते गए लेफ्ट साइड स्लोली 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 इस तरीके से ऐसे 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 1 2 3 4 एंड 5 रिलीज कर दें, सांस लें ऐसे, और फिर कंट्रोल के साथ
अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। तो सांस लेते हुए खड़े होना है और सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांसों को रोक के रखना है और फिर उसके बाद सांस लेते हुए वापस से रिलीज कर देना है पॉस्चर को। ये सांसों की सजगता के साथ अभ्यास हुआ। तो इसी तरीके से अगर और आसन सीखना चाहते हैं तो आप सभी मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आसानी से मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास कर सकें। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन और भी लाइफस्टाइल को बेहतर करने वाली बहुत सी जो अभ्यास है वो सीखते हैं। और जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, अगर उनको वज़न कम करने में दिक्कत आ रही है, वज़न बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, डाइट के बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी की सारी गाइडेंस आपको इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है भाई, तो ये क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर आप कंप्लीट बिगनर हैं या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, ये क्लासेस सभी के लिए बहुत कंफर्टेबल होंगी। अगर आप ये क्लासेस किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते, कोई बात नहीं, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आप इन कोर्सेज को परचेज करके अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के एक घंटे का समय निकाल के आसानी से ये वीडियोस प्ले करके दिन में कभी भी कितनी भी बार योग का अभ्यास कर सकते हैं। आपको इन कोर्सेज और जूम क्लासेस के बारे में सारी की सारी जानकारी मेरी वेबसाइट विजिट करने पर, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने एक WhatsApp नंबर शेयर किया है, इस WhatsApp नंबर पर जाने से आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाती है। तो जाइए ना, चेकआउट कीजिए और शुरुआत करते हैं। एक बार ज़रा साइड से देखें कि मैंने राइट पैर को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया है, तो पीछे वाला पैर जो है उसको बराबरी से मैट पर रखिएगा। आप चाहे तो पीछे वाले पैर को ऐसे टक कर लें या टो को बाहर रखें, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और फिर उसके बाद सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड से ऐसे झुकेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, साइड से झुकेंगे ऐसे, सामने से नहीं झुकेंगे, इस तरीके से। फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। लेकिन जो लोग कंप्लीट बिगनर है ना, वो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, जिन्होंने अभी योग का अभ्यास करना शुरू किया है, तो आपको आपके घुटने के बल इस तरीके से खड़े हो जाना है। अपने एक घुटने के नीचे आप एक्स्ट्रा पिलो रख सकते हैं या कि फिर आपके पास कोई पतली टावल हो वो रख सकते हैं, या इस तरीके से कोई पतला कंबल भी रख सकते हैं। ऐसे अपने घुटने के नीचे रख लिया ताकि घुटनों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, ठीक है ना। और अगर आपको माइनर घुटने का दर्द है तो भी इस तरीके से आप कोई कंबल या चादर रखें। अपने राइट पैर को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, राइट हील को मैट पर रखें, टो को सीलिंग की तरफ रखें, क्योंकि इससे आपको बैलेंस बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या करें, अपने राइट पाम को इस तरीके से थाई के ऊपर रखें और लेफ्ट बाइसेप को कान के पास रखें, और जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करे उतना, अगर यहाँ तक आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रही है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास ना करें तो नहीं कर सकते, जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तब सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करें। अगर इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकें और होल्ड करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि चेस्ट ओपन हो और चेहरे को छत की तरफ घुमा दें ऐसे, ताकि पूरी की पूरी जो साइड मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घुटने में बहुत एक्सट्रीम दर्द है लेकिन फिर भी साइड स्ट्रेचेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, आराम से अपनी योगा मैट पर ऐसे पालती मार के बैठे हुए रहेंगे और फिर उसके बाद अपने राइट पाम को आपने मैट पर रखा, सांस लिया, लेफ्ट हाथ छत की तरफ खींचा और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरीके से, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे उतना आप अभ्यास करें, छत की तरफ चेहरे को घुमा दें ऐसे, फिर सांस लेते हुए रिलीज कर दें, दूसरी तरफ सांस लें, सांस छोड़ें, छोड़ते हुए सांसों को रोकें, पॉस्चर को रोकें, 5 4 3 2 एंड 1, और फिर
सांस लेते हुए रिलीज कर दें। तो इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं कि नॉर्मली जो गलतियां करते हैं लोग इस आसन का अभ्यास करते वक्त वो क्या क्या होती है। सबसे पहली गलती तो पैरों की जो पोजीशन है ना उसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि आपको ऐसे घुटने के बल ऐसे खड़े होना है, ठीक है। तो घुटने के बल खड़े होने के बाद मैंने कहा आपको राइट पैर बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दिया। अब पैरों की पोजीशन गलत रख लेते हैं। मैंने क्या कहा आपको, अगर आप बिगनर हैं एड़ी मैट पर रखें, टो सीलिंग की तरफ रहने दें, या कि फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंकल की अच्छी है तो इस तरीके से टो को मैट पर रखें तो पूरी बॉडी इस तरीके से अलाइन हो। तो बहुत बार क्या करते हैं कि बाहर की तरफ स्टूडेंट ऐसे पैर रखते हैं, यानी पैरों को ऐसे घुमा देते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, तो वो ना करें, वरना फिर जो खिंचाव आना है हैमस्ट्रिंग्स पर खिंचाव आना वो नहीं हो सकता। पहली गलती ये। दूसरी गलती क्या करते हैं कि जैसे जैसे झुकेंगे ना, साइड में झुकेंगे तो अपने एड़ी को बाहर की तरफ ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये घुटना जो है, घुटना और हिप एक लाइन में नहीं रह जाते हैं, इस घुटने पर बहुत स्ट्रेन आता है। तो ये पोजीशन ना बदले, आपको सिंपली ये कहा गया है कि घुटने के बल ऐसे खड़े होइए और सिंपल एक पैर को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, फिर उसके बाद लोअर बॉडी को फ्रीज करना है आगे की तरफ, ऐसे ये पैर को फिसलने मत दीजिए, स्टेबल रखिए, सो दैट कि आपकी नी और हिप एक लाइन में रहे, घुटना और हिप एक लाइन में रहे और हिप और दूसरा पैर एक पूरी की पूरी शेप इस तरीके से आए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान दीजिए। अपर बॉडी में क्या गलतियां करते हैं नॉर्मली कि जब पैरों को एक्सटेंड करेंगे तो नॉर्मली क्या करते हैं, पैर को पकड़ने के चक्कर में मैंने क्या कहा है कि साइड से झुकना है आपको इस तरीके से, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे सामने से ऐसे झुक जाते हैं ऐसे। अब आप इस गलती में आप एकदम से देख रहे हैं कि साइड मसल्स बिल्कुल भी खिंची नहीं है ना, और वो इनएक्टिव है। हमें क्या करना है कि जब बेंड हो रहे हैं तो पूरी साइड मसल्स हमारी अच्छी तरीके से खींचे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, भले ही आप पैर को नीचे की तरफ ऐसे ना पकड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको झुकना ऐसे साइड से ही है। अगर इतना भी कर पाए तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि साइड मसल्स पूरी खींचे, पेट की मांसपेशियां खींचे, पैरों पर बहुत अच्छा एक्टिवेशन आए। अब अगली गलती देखिए क्या करते हैं कि जब आप पहला तो ये जब सामने से झुके तो साइड मसल्स इनएक्टिव रही, दूसरी बात ये कि जब आप सामने से ऐसे झुकेंगे ना तो आपका चेस्ट जो मसल्स है, ब्रेस्ट मसल्स हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से ओपन नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप साइड से ऐसे झुक रहे हैं इस तरीके से तो देखें चेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से खींच रही है, वहीं अगर ऐसे सामने झुकेंगे तो चेस्ट बिल्कुल भी नहीं खींच रही है। और जब आप साइड से झुकते हैं, चेहरे को मैंने क्या कहा, गर्दन को, चेहरे को छत की तरफ घुमाना है, तो गर्दन पर भी इसका एक्टिवेशन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी जो गलतियां हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि ये आप रिपीट ना करें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सीख लिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं परिघासन का अभ्यास। आई एम श्योर कि आपने सारी जानकारी अच्छी तरीके से देखी और समझी होगी, और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं, या किसी आसन को आप सीखना चाहते हैं उसमें फ्यूचर में वीडियो चाहते हैं, तो मुझे फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी मैं इन वीडियोज़ को बना के अपलोड करूँ। आपने अभी तक वीडियो को देख लिया, अंत तक देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं कोई बात नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। साथ ही ये वीडियो तो लाइक कर दी होगी, नहीं की तो कोई बात नहीं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।